अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन बटरफ्लाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी भी बनती है और टेस्टी भी। ये रेसिपी बच्चे और बड़ों दोनों को ही पसंद आएगी, तो इस इफ्तारी में आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसके मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला पाउडर डालेंगे। ये होममेड मसाला है और बाजार में मिलने वाले पाउडर से कई गुना टेस्टी भी है, तो इसे बनाकर आप स्टोर करके बहुत सी चीज़ों में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं दे रही हूँ, वहाँ आप चेक कर लीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसीलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि टिक्का मसाला में नमक भी ऐड है, तो आप टेस्ट करके डालिएगा। 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखा ना आपने इसमें कितने कम मसाले पड़ते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बेस्ट होता है। तो मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अभी इसे आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3 से 4 घंटा भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब एक पतली स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा सी पानी डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा सी नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि ये फीका ना लगे। इस मिक्सचर में हम आलू को डिप करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इसे पतले स्लाइस में कट कर लिया है। आलू कट करने के बाद काले हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे पानी में रखा है। कट करने के बाद आलू इस तरह फोल्ड होने चाहिए, तो इसे पतला कट करिएगा। तो 1 घंटा हो चुका है। अब एक आलू का चिप्स लेंगे और कॉर्नफ्लावर के पानी में इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे और इसमें एक चिकन रखकर इसमें स्टिक डालेंगे। बड़े स्टिक को आप 3 पार्ट में तोड़ लीजिए या फिर टूथपिक भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने टूथपिक यूज़ किया है। तो इसी तरह सारे चिकन रेडी कर लेंगे। अगर आपको और भी क्रिस्पी चाहिए तो आप जब फ्राई करेंगे तो फिर से इसे कॉर्नफ्लावर के पानी में डिप करिएगा और फिर फ्राई करिए, ये और क्रिस्पी बन जाएंगे। तो इसी तरह सारे रेडी करके रख लेंगे, ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, देखिए 400 ग्राम में इतने सारे चिकन रेडी हो गए हैं। तो आप इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर एक एक चिकन डालेंगे। सारे चिकन डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे फ्राई होने देंगे, इसे चम्मच से हिलाएंगे नहीं। ये चिकन बटरफ्लाई 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अब थोड़ा हिलाएंगे। अब इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और टिक्का मसाला डालने से इसका चिकन बहुत ही लाजवाब लग रहा है। तो इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।